हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग. एक्चुअली मैंने आज नया माइक लगाया और मुझे माइक टेस्टिंग करने की फुर्सत भी नहीं थी. सो आई होप भगवान की प्रार्थना है कि वहाँ आवाज़ ठीक आ रही हो, क्योंकि जब से हमने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है दो चीज़ें हम कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, कभी क्रैक नहीं कर पाए. एक हमारी माइक की प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, और दूसरा ऋतु राठी का टाइम से आने की प्रॉब्लम. आज फिर लेट है मैडम. सो गाइस वी हैव रीच्ड, आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पकड़ो. सो अभी क्या था कि हमारे घर से मोस्टली सामान जो है रसभरी फेंक देती नीचे. ये सामान हमको नीचे मिला, एक्चुअली रितु को मिला था. रितु ने मुझे दिखाया नहीं शर्म के मारे, बट समबडी गिव इट टू रितु एंड इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर रितु. बट गिव इट कैप्टन रितु, कैरिस्मेटिक ब्यूटीफुल एंड ब्रेव वुमेन, लवली फ्लाइंग विद यू, होप टू फ्लाई विद यू अगेन. लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं, पहले ये फेमस थी अपने नुकीले दांतों के लिए, आज ये अपने फेमस नुकीले बाल के लिए भी. लोगों को पता है कि नुकीले हैं ये. रशी ओ बेटा क्या हुआ? रशी पापा के कितने मिलियन हो गए? पापा के कितने मिलियन हो गए? टू मिलियन. एक और चीज मुझे पता चली इसके बारे में आज, एक और चीज मुझे पता चली इसके बारे में आज, मैं बता नहीं सकता व्लॉग में. बता दूं? नहीं कि तो नहीं, वैसे नहीं. Looking so sweet but you're dynamite, I just wanna dance with you, feeling that burn, I'm not getting out. Yeah, yeah. Hi. What is Rashi having? आप first time gym में आए हो ना? जैजे. हाँ क्या जैजे? जैजे. ये लो. जैजे. ये ले रहे थे ना? ये लेना था ना? ओह. उठाओ. One more. बस हो गया. So guys, I am with the fittest CEO/bossman I've ever seen, I think, in the world. He had done one photo shoot when we were working together in a company, and then when the pictures came in, nobody believed, and everybody, and I never told you this. But when I used to fly, everybody used to think that I'm training you. but I said, no, I'm not training him. He has self-trained himself. So the man is Mr. Aditya Ghosh. Hey guys. And I just came to meet him because I needed And him. I've got my newest gym partner. Oh. Bless you. जिम ने क्या किया था अभी? हमने अभी डेडलिफ्ट किया था. डेडलिफ्ट किया और सर ने अपने घर पे जिम बनाया हुआ है. इफ यू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम यू विल सी हिम वर्किंग आउट. यू वर्क आउट इन द मॉर्निंग ना? या बिफोर यू स्टार्ट योर डे यू फिनिश योर वर्कआउट. इट्स अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट. आई कांट वर्क आउट अर्ली मॉर्निंग. स्टार्ट योर डे विद योर वर्कआउट. आई मोस्टली एंड माय डे विद द वर्कआउट. सो मैं रात को ही करता हूं. सर दिस इज हिज होम जिम. व्हाट इज द हेवीएस्ट डंबल? ओह दिस इज द हेवीएस्ट डंबल. दैट्स 40 केजी देयर. माय गॉड, लाइक प्रोफेशनल जिम्स हैव 40 केजी. एंड like completely green. Yeah. So to sir owns a second vacation home in Rishikesh also. And there's a and gym there. There's a gym there. I also can I tell your age on camera? How old are you? I'm 44 now. 44 and then when you did that photo shoot, how old were you? That was 42. At age of 42 and you guys can see like he is the boss man. He works big and he also takes out time for workout. So if he can take out time for workout, these are my two so favorites. Okay. So okay. Why are you laughing? बर्थडे के लिए. अरे मेरे को तो दे दो. Say bye bye. मैं खा जाऊँ. चलो. So I wanted to leave at 4:30. 4:30 she started getting ready. But somehow we made it on time today. Rashi, who takes more time to get ready? Rashi. Mama or Papa? We had like awesome meeting with sir. He's such a wonderful man. बाकी चलो वैसे चलो आपको बोर तो मैंने कर दिया. अब असली व्लॉग ये करेंगे. बोल दो. बट थैंक गॉड आज हम टाइम से पहुंच गए, बिकॉज लास्ट टाइम वी वेंट टू मीट हिम वी वर लेट.
एंड इट बिकम्स अ लिटिल एंबैरेसिंग व्हेन यू गिव टाइम एंड यू आर लेट बट आज हमें बचा लिया ट्रैफिक ने की जी नहीं मोटे आज आई लेफ्ट ऑन टाइम ऐसे नहीं कह सकते आप जी नहीं यू डिडंट लीव ऑन टाइम था आई डिड लीव ऑन टाइम आज से पहले क्या हुआ कि हम रशि के लिए भी बहुत सारे हम लोग ने प्री स्कूल देखना शुरू कर दिया बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम फॉर रसभरी टू गेट इन टू स्कूल गाइस वेलकम बैक टू डे नंबर 2 और दिखाता हूँ आपको मैडम क्या कर रही है क्या कर रहे हो है व्हाट इज दिस पूरा सामान चला दिया ना इसको कौन रखेगा रशु हु विल कीप दिस नो 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 ईट दिस लो ईट दिस वो नहीं वो पापा को दे दो Give it to papa, no, तुम गन give it to papa, छोड़ो पापा के कितने मिलियन हो गए Two, high five, yeah, next year we'll do 3, okay Next year how much you will do? 2 Next year also 2, next year 3 बेटा, next year 3 Rashu, fan कहाँ पे fan? Now she doesn't do full up, she's like fan कहाँ पे fan? fan कहाँ पे fan? So yesterday, me, Rashu and Mama, we went to school क्योंकि हमें अब रशभरी को स्कूल में एडमिशन कराना है ताकि ये कुछ अच्छा अच्छा सीख के आए है ना सो मैम लोग गए थे स्कूल में लाओ चुपचाप लाओ 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 रशु मम्मा की दवाई ले लाओ पापा कैसे जाएंगे दवाई दो रशु वो मम्मा की दवाई है रशु ये मम्मा की दवाई लेके इतना जोर से भगी है ये कि सो गाइस यस्टरडे हम गए रशि के स्कूल देखने पर एक्चुअली क्या जैसे ही मैं स्कूल गया इसके देखने तो एक अपने स्कूल का मुझे फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा ही दिमाग में आने लगा कि यार दिस वॉज द प्लेस जो कि स्कूल में मैं अनकम्फर्टेबल रहता था बहुत ज़्यादा बिकॉज स्कूल में मैं अंडर कॉन्फिडेंट था एंड दैट इज़ वन थिंग आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी अरे वाह रशु अरे वाह रशु इसको ऐसे करो रशु 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 अरे वाह रशु ओ हाँ रशु अशु ये वाला करो ये वाला इसलिए क्या है कि घर से ही ट्रेनिंग अगर चालू हो कि हाउ टू मीट पीपल जो आई वॉन्ट कि अगर इसके स्कूल में मार्क्स कम आएंगे ना फिर भी मेरे को चलेगा बट आई वॉन्ट हर सॉफ्ट स्किल्स टू बी द बेस्ट लाइक शी आई वॉन्ट हर टू बी कॉन्फिडेंट थिंग्स लाइक दैट जो हमने स्कूल में नहीं सीखी एंड विच आई फील इज वन ड्रॉबैक आई एम राइट Which I feel is one drawback of Indian education systems की books पे और formulas पे और mathematical problem solving पे बहुत ज़्यादा ध्यान है marks पे बहुत ज़्यादा ध्यान है but मैंने realize किया कि once you go out in the market to look for a job to make a name for yourself वो सब एक चीज़ें काम आती हैं but जो लोग really जाकर आपको top पे पहुँचना है ना तो you need something more than that and लो पापा लगा दे पापा आए रशु ने बिंदी लगा ली A for Apple. B for ball. C for meow. Meow. D for bow. E for elephant. G for giraffe. F for fish. मैंने गलत सुना दी A B C D E F. सॉरी रशि तो पापा की गलत हो गई आ जाओ आप भी आ जाओ ना आओ मम्मा आओ मम्मा मम्मा आओ मम्मा आओ फिर से बोलो मम्मा आओ आओ मम्मा आओ मम्मा रशु पापा मोटे कि मम्मा मोटी मम्मा मोटे रशु ब्रावो मम्मा मोटी मम्मा मोटी रशु पापा भुंडे कि मम्मा भुंडी मम्मा मम्मा मोटे मम्मा मोटे मम्मा भुंडी जब मम्मा को बुला के ला जाओ जाओ Rashu, mamma is also playing. Bravo! Bravo! Rashu को पसंद आ गया? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Rashu? Rashu?
आजा। मेन कंसर्न जो हमारा था कि स्कूल में जा रहे हैं तो हम रसभरी को ऐसे स्कूल में भेजना नहीं चाहते जो कि बहुत हाई फाई स्कूल हो। हर टू स्कूल जहाँ पे हम गए थे हमारा बहुत ही नॉर्मल स्कूल था, जहाँ पे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग बच्चे आते थे। सो पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, पापा आजा आजा जल्दी जल्दी। ओह फंस गया, ओह रशु फंस गया, ओह रशु 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 जिराफ जिराफ जी फॉर जिराफ। चलो चलो रितु रितु रशु रशु तो देयर वाज वन स्कूल वी सेड कि हम सब बच्चों को नहीं लेते क्योंकि हम क्यों है हमारा बहुत सारे स्कूल के साथ टाई अप है। सो अगर आप अपने बच्चे को यहाँ भेजेंगे तो उनका उन स्कूल में फॉर्मल स्कूल में ऑलरेडी हो जाएगा। बट आया था आया था अच्छा अभी जो आया था। सो वो तो पहले बनना था कि हम सबको नहीं देते, हम सेलेक्टेड बच्चे रहते क्योंकि हमारा टाइम बहुत बड़े बड़े स्कूल के साथ है। एंड देन देयर वाज आल्सो एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इज लाइक अगर आप टेबल पे मनी रखो भी तो आपको सीट देने को तैयार है। मैंने तो वहाँ साफ साफ बोल दिया, मैम अभी तो आप कह रहे थे कि आप सबको नहीं लेते, अभी आप कह रहे हैं वहाँ पे टेबल पे सीट में पैसे रखो। तो बिल्कुल ही पागल है। एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे हम लोग गए तो कहते हैं हम बच्चों को आउटिंग के लिए भी ले जाते हैं, क्या करते हैं कभी कभी हम उनको मैकडोनल्ड्स ले जाते हैं, कभी कभी हम उनको डोमिनोज ले जाते हैं। मैम ना बहुत प्राउड लेके गए थी, नहीं हम तो बच्चों को आउटिंग पे भी लेके जाते हैं, बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि वो स्कूल में ही बंद गया है, तो हम कभी इसको मैकडोनल्ड कभी डोमिनोज, हम तो डोमिनोज भी लेके जाते हैं। एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ दिस। हां और गौरव मम्मी तो आप सारी गलत चीजें सिखा रहे हो। उस काउंसलर का मुंह उल्टा सामने मुझे मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा मैम आप तो बच्चों को गलत चीजें सिखा रहे हो, जंक फूड खाना सिखा रहे हो। फिर वो उन्होंने अपना ऑडिटोरियम दिखाया कि हम बच्चों को कभी कभी यहाँ पे मतलब महीने में एक या दो बार, हफ्ते में एक बार मूवी दिखाते हैं और बच्चे पेप्सी पॉपकॉर्न भी खाते हैं। मैं ये सोच रही हूँ फिर से कुछ ना बोल दे पेप्सी पॉपकॉर्न। लेकिन मैं सच में बता लिटरली ना वो बिल्कुल वैसे ही वाली मैम थी जैसे बच्चों को तो हम पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, पेप्सी पिलाते हैं, तभी बच्चों को भी तो पेप्सी पीनी चाहिए, बच्चों को भी तो लगे कि यहाँ डोमिनोज का पिज्जा खिलाया। सो शी वाज लिंकिंग ईटिंग जंक फूड टू एंजॉयमेंट, विच सैडली दिस इज आवर सोसाइटी की वी फील की आउटिंग करनी है, एंजॉय करना है, चलो जंक फूड खाते हैं। And this is not your fault. This is a fault of marketing because these companies market themselves so much. These companies have made a name for themselves ki outing, enjoyment, fun with family is equal to जैसे खुशियाँ खोली है बोतल में खुश। छोटे बच्चों को कभी भी ये चिप्स और ये मतलब डोमिनोज बर्गर वगैरह ना खिलाओ, जितना आप कम एक्सपोज कर सकते हो उतना करो। देखो बाद में तो मतलब मेरे पापा कहते तुम कब तक रोक रोगे, जब वो स्कूल में जाएगा दूसरे बच्चों को देख के खाए गए ना, बात बिल्कुल ठीक है आप नहीं बहुत ज्यादा रोक सकते, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना तो करो यार। इतना कर सकते। अगर आप उनको अभी से ही पिज्जा खिलाने लगोगे ना तो उनका टेस्ट बर्ड वैसे ही डेवलप हो गया, तो उसको बाहर के पिज्जा बर्गर मत खिलाओ। बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया, जरिए तैयार है आप, लेट हो रही है तैयार हो रही है। तो रितु जा रही है अभी फ्लाइट पे, रितु जैसे ही निकलेगी अभी पापा आ जाएंगे, पापा बाहर गए हैं, रसभरी को मैं एक घंटा में संभालूंगा जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स बिकॉज मेरा जो इंजरी थी यहाँ पे चेस्ट में एक्चुअली है वो बैक से और बैक से यहाँ तक ट्रैवल हो चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू अ कायरोप्रैक्टर टुडे बिकॉज ये ठीक नहीं हो रही, मैंने जिम से 15 दिन का ब्रेक लिया था एंड जब मैं मेघालय गया था उसके बाद मैंने फिर और ब्रेक लिया एंड मेरे को दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को लगा मैं रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं जिम गया परसों फिर से दर्द शुरू हो गया, आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट एनी वेट, मैं यहाँ छूते भी दर्द होता है। सो नाउ आई वॉन्ट टू रिकवर बिकॉज दिस इज इरिटेटिंग, मेरे दिमाग में चढ़ चुका है। एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर अब जैसे हमें आगे थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ अच्छा ऐसा काम करे कि जिससे सबका भला हो। ये तो लोग सुनते हैं इतनी वॉइस है, ऑब्वियसली वी नीड टू यूज दैट वॉइस फॉर सम कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर एवरीवन। एक कुछ मैं कर रहा हूँ प्लान है मेरा जो मैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर प्लान कर रहा हूँ, वो क्या है बताऊँगा बाद में, अभी वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया, काफ़ी काम है उसमें, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा है लगेगा, पर जो आप कर सकते हैं काम कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आर ओ के घर में सब लोग को क्लीन वाटर पीना ही पसंद होता है तो आर ओ वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन अगर आप ये कर सकते हैं कि जो भी आर ओ की वेस्टेज होती है उसको आप एकत्रित करके बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, घर पे झाड़ू पोछे के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड सेव अ लॉट ऑफ वाटर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, ये आर ओ का पानी है, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ इकट्ठा करते हैं और वो टब थोड़ा गंदा हो गया, उसमें काई नहीं है टब गंदा हो गया क्योंकि पानी के जो सॉल्ट है वो जम जाते हैं। एंड वी यूज़ दैट वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पजेज ऑफ आवर हाउस एंड रसभरी ऑल्सो यूज़ दैट वाटर, है ना। चलो
इसका यही काम है, ये लाइट जला के चली जाती है, फिर बिजली का बिल हमारा ज़्यादा आता है। चलो आ जाओ।